समथिंग वेरी डिफरेंट फॉर बोथ ऑफ अस. आई मीन डिफरेंट क्या, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि विवेक मेरे पार्टनर बनेंगे, या उन्होंने कभी नहीं सोचा था वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी कि मैं दिव्यांका उनकी वाइफ बनूंगी. क्योंकि हम दोनों फ्रेंड तो दूर की बात, हम बैरली अक्वेंटेंसेस थे. हाय हेलो ख़त्म. उसके आगे हमारे कोई कॉन्वर्सेशंस होते नहीं थे. इतना लिमिटेड कॉन्वर्सेशन था कि हमको अब तक याद है कि हमने दो लाइनें क्या क्या बोली थी एक दूसरे से. सो बट या थैंकफुली आई गॉट हिम. किसी को इतना अच्छा ख्याल आया, मतलब पंकज भाटिया जो मेरे साथ काम करते हैं, पंकज जो मेरे जीजा जी बनते हैं बालाजी टू, उनको ये ख्याल आया कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं. एंड दिस डिवाइन थॉट जस्ट चेंज्ड आवर लाइव्स एंड नथिंग कुड हैव बीन बेटर देन दिस. हम दोनों मतलब ज़िंदगी के बेस्ट पड़ाव से गुजर रहे हैं अब. ये कह लीजिए हम लोग सबसे ज़्यादा खुशी भरे माहौल से गुजर रहे हैं. और हम चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में ये खुशियाँ बस बढ़ती जाएँ और ये खुशी भी छोटी लगे, ऐसा होना चाहिए. प्रपोज ऑब्वियसली हम लोग मिले थे तो मैरिज पर्स्पेक्टिव से ही मिले थे हमें, क्योंकि बोला गया था कि आप देखो एक दूसरे को, बात बात करो, तुम भी सिंगल. सो वी वर लाइक रियली ऑकवर्ड, क्योंकि ऐसा आपको कोई अरेंज्ड सेटअप में डाल दे और आप, एंड वो भी जब आप एक्टर्स हो एंड साथ में काम कर रहे हो और आपने कभी एक दूसरे को वैसे देखा नहीं, इट गेट्स रियली टफ. एंड हम दोनों ज़बरदस्ती जाके हमने मीटिंग किया, बातें की. बट हाँ ये कि हम दोनों को पता चल गया था कहीं ना कहीं, लाइक विद इन 3 to 4 days होता है ना, वाइब्स मैच होती हैं. 3-4 दिन में ही मुझे भी अच्छी वाइब्स मिल रही थी, उन्हें भी. एंड समहाउ वी न्यू कि दिस इज़ इट, दिस इज़ मेंट टू बी. अब बस ये था कि मैंने अपने आप को रोक के रखा हुआ था क्योंकि मैं बड़ी ही ओपन टाइप की हूँ और बहुत जल्दी अपना दिल इजहार कर देती हूँ. मतलब कुछ भी हो, कोई भी बात अच्छी लग रही होती है ना, कोई लड़की भी अच्छी से गुजर रही होती है, मैं बोलती हूँ यू लुक सो ब्यूटीफुल, योर ड्रेस इज़ सो नाइस, योर शू इज़ सो नाइस. मैं बहुत जल्दी बोल देती हूँ कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो. बट आई हेल्ड माई सेल्फ, मैंने कहा नहीं, मैं लड़के को काम करने दूँगी. And that's what happened. He proposed me. दिव्यांका को विवेक की एक बात है बेहद पसंद कि विवेक उनकी बहुत केयर करते हैं. Very caring. He is, you know, he's just there for me whenever I need him. And in fact, मैं इतनी self-sustained, इतनी self-made type की हूँ कि मुझे कभी किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी. ऐसा लगता था कि I can handle myself. But when he came along, बस मेरे लिए हम, मतलब मैं एक बार कुछ बोलूँ एंड वो चीज़ हाजिर कर देना, या मैं कुछ बोलूँ और वो कर देना, एंड आई नेवर फेल्ट कि मेरे लिए कोई ऐसा आदमी होगा जो कि हु विल मेक मी फील लाइक अ वुमन. मैन यही करते ना, दे मेक यू फील लाइक अ प्रिंसेस, एंड दिस इज़ हाउ एनी बडीज हजबेंड और बॉयफ्रेंड शुड बी. विमेन जनरली कॉम्प्रोमाइज, but thankfully for a change I didn't have to compromise. He was just making me feel good. मैं उनके साथ होती तो बस मुस्कुराती रहती, हंसती रहती. इससे अच्छा बंदा और कौन हो सकता था मेरे लिए. Like मैं impulsive हूँ, कई बार बहुत जल्दी react कर देती हूँ उस बात पे. फिर कई मैं communicate बहुत कम करती हूँ, मतलब मैं messages and phones and I'm like, मैं करती हूँ तो मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पे चली गई ख़त्म. बट आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ टॉकिंग ऑन फ़ोन. मुझसे नहीं होता फ़ोन पे ज़्यादा बातचीत करना या मैसेजेस करते रहना. सो उन्होंने मुझे सिखाया कि नहीं, वो इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज आई कैन नॉट स्टे इन टच विद माय फ्रेंड्स. सो ही गॉट दैट थिंग इन मी कि नहीं, यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड्स, यू हैव टू गेट इन टच विद एवरीबडी, योर नियर एंड डियर वंस. सो इट्स नॉट दैट ही स्कोल्स मी, बट ही नोज हाउ टू हैंडल मी. मुझसे बातें मनवाना आता है उन्हें अच्छी तरह से, बहुत प्यार से. वैसे शादी से पहले एक रस्म होती है कि कुछ दिनों तक लड़का और लड़की एक दूसरे से नहीं मिल सकते, तो क्या ये कपल ये रस्म को फॉलो कर रहे हैं? आई एम सो कन्फ्यूज्ड. आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट द शूटिंग. ये शूटिंग इतनी चल रही है ना कि मैं वो फीलिंग जो एंजॉय करना चाहती हूँ वो नहीं हो पा रहा. But yes, I'm very excited. And when people tell me, oh, then I'm like, oh yes, I should be feeling that. I'm just waiting to just do this last wala shooting.
एंड उसके बाद मैं बस घर जाने के लिए रवाना होने के लिए तैयार होना चाहती हूँ, बिकॉज वंस आई एम ऑफ होम फिर तो पार्टी ही पार्टी है. सब लोग आ गए घर पे. इनफैक्ट खास ओकेजन्स की शॉपिंग नहीं हुई है अभी तक, क्योंकि मेरी ड्रेसेस मैंने जो ले भी ली हैं लेकिन वो सब अभी बनने में डली हैं. सबकी चोलियाँ बन रही हैं सबका, तो अनलेस आई हैव मटीरियल इन माई हैंड तब तक मैं कैसे जाके ज्वेलरी सेलेक्ट करूँ. सो आई हैव नो ज्वेलरी सॉर्टेड एंड अभी सारे ड्रेसेस भी मेरे हाथ में नहीं है. सो आई एम ऑब्वियसली इन जिटर्स, बट देन देखेंगे जो होगा होगा. सीरियल वाली हूँ, लास्ट मिनट में काम करने की आदत है. तो वो यहाँ तो ऑब्वियसली नहीं आएगा क्योंकि मैं मुंबई शहर में बैठी हूँ और मेरे ससुराल वाले भी अभी नहीं पहुँचे हैं भोपाल, तो वो लोग मेरे पहुँचने के बाद आएंगे एक आध दिन बाद, और उसके बाद शगुन भी आएगा. हम लोग वैसे कोशिश नहीं भी करें तो भी हम कम ही मिल पा रहे हैं. बहुत ही कम एक्चुअली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, मैं बहुत बिजी हूँ. कभी अगर उनके सेट पे गलती से भी पहुँच भी गई अगर कुछ काम वाम की बात करने, लाइक इफ़ आई गेट फ्री ही इज़ ऑलवेज शूटिंग, सो देन आई हैव टू यू नो लोग शूट वूट कर रहे होते हैं उनके साथ अंदर, या फिर मीटिंग चल रही होती हैं. सो आई हैव टू सिट आउटसाइड विद हिज पॉट बॉय ऑब्वियसली वेटिंग फॉर हिम, एंड सेम ही डज, ही गेट्स फ्री एंड आई एम शूटिंग ओवर हियर, तो बेचारे वो फिर बैठे रहते हैं मेरा इंतजार करते हुए. सो वी आर नॉट गेटिंग टाइम टू टॉक, तो हम लोग सिर्फ काम की बातें कर रहे हैं एंड खत्म. सो वी हैव द वेडिंग स्टोरी ऑन बोर्ड. हरप्रीत बछेर उसके प्रॉपराइटर हैं. सो हरप्रीत सजेस्टेड कि वी शुड गो फॉर अ प्रॉपर ट्रैक ऑफ आर ओन, लाइक जनरली हायर ट्रैक्स होते हैं एंड वी डू नॉट वॉन्ट एनी थिंग लाइक दैट. तो उन्होंने कहा हमारा ओरिजिनल ट्रैक हो और वो हमारे ट्रेलर पे बजे, तो उसकी ब्यूटी ही अलग होगी. सो थैंकफुली नाउ वी हैव द ट्रैक इन हैंड एंड नाउ दे विल बी फिल्मिंग इट अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द ट्रैक एंड इट्स साउंडिंग सो अमेजिंग. सो एक्चुअली वी ऑल्सो संग, मैंने उसमें कुछ अलाप वगैरह दिया है साथ में, विवेक ने भी हम दोनों ने कुछ हमारे क्यूट क्यूट गाने भी गाए हम दोनों ने. सो या इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. दिव्यांका और विवेक की नई जिंदगी को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं. इशिता यानी दिव्यांका त्रिपाठी विवेक दहिया के साथ जल्द ही शादी के बंधन में बनने वाली हैं। चलिए जानते हैं खुद दिव्यांका से कि उनकी और विवेक के प्यार की शुरुआत आखिर कैसे हुई और किसने किसको प्रपोज किया. इट वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट फॉर बोथ ऑफ अस. आई मीन डिफरेंट क्या, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि विवेक मेरे पार्टनर बनेंगे, या उन्होंने कभी नहीं सोचा था वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी कि मैं दिव्यांका उनकी वाइफ बनूंगी. क्योंकि हम दोनों फ्रेंड तो दूर की बात, हम बैरली अक्वेंटेंसेस थे. हाय हेलो ख़त्म, उसके आगे हमारे कोई कॉन्वर्सेशंस होते नहीं थे. इतना लिमिटेड कॉन्वर्सेशन था कि हमको अब तक याद है कि हमने दो लाइनें क्या क्या बोली थी एक दूसरे से. सो बट या थैंकफुली आई गॉट हिम. किसी को इतना अच्छा ख्याल आया, मतलब पंकज भाटिया जो मेरे साथ काम करते हैं, पंकज जो मेरे जीजा जी बनते हैं बालाजी टू, उनको ये ख्याल आया कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं. एंड दिस डिवाइन थॉट जस्ट चेंज्ड आवर लाइव्स एंड नथिंग कुड हैव बीन बेटर देन दिस. हम दोनों मतलब ज़िंदगी के बेस्ट पड़ाव से गुजर रहे हैं अब, ये कह लीजिए हम लोग सबसे ज़्यादा खुशी भरे माहौल से गुजर रहे हैं. और हम चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में ये खुशियाँ बस बढ़ती जाएँ और ये खुशी भी छोटी लगे, ऐसा होना चाहिए. प्रपोज़ ऑब्वियसली हम लोग मिले थे तो मैरिज पर्सपेक्टिव से ही मिले थे हमें, क्योंकि बोला गया था कि आप देखो एक दूसरे को, बात बात करो, तुम भी सिंगल. सो वी वर लाइक रियली ऑकवर्ड, क्योंकि ऐसा आपको कोई अरेंज्ड सेटअप में डाल दे और आप, एंड वो भी जब आप एक्टर्स हो एंड साथ में काम कर रहे हो और आपने कभी एक दूसरे को वैसे देखा नहीं, इट गेट्स रियली टफ. एंड हम दोनों ज़बरदस्ती जाके हमने मीटिंग किया, बातें की, बट हाँ ये कि हम दोनों को पता चल गया था कहीं ना कहीं, लाइक विद इन 3 to 4 days होता है ना, वाइब्स मैच होती हैं. 3-4 दिन में ही मुझे भी अच्छी वाइब्स मिल रही थी, उन्हें भी, एंड समहाउ वी न्यू कि दिस इज़ इट,
दिस इज़ मेंट टू बी. अब बस ये था कि मैंने अपने आप को रोक के रखा हुआ था क्योंकि मैं बड़ी ही ओपन टाइप की हूँ और बहुत जल्दी अपना दिल इजहार कर देती हूँ. मतलब कुछ भी हो, कोई भी बात अच्छी लग रही होती है ना, कोई लड़की भी अच्छी से गुजर रही होती है, मैं बोलती हूँ यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, योर ड्रेस इज़ सो नाइस, योर शू इज़ सो नाइस. मैं बहुत जल्दी बोल देती हूँ कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो. बट आई हेल्ड माई सेल्फ, मैंने कहा नहीं, मैं लड़के को काम करने दूँगी. And that's what happened. He proposed me.